जामुल नगर पालिका परिसर में मंत्री गुरु रुद्र कुमार की उपस्थिति में कांग्रेस से उपाध्यक्ष सुनीता चन्नेपार ने पदभार ग्रहण किया। बता दें कि जामुल नगर पालिका परिसर में अध्यक्ष के रूप में बीजेपी से ईश्वर सिंह ठाकुर ने पिछले 10 दिन पहले पदभार ग्रहण किया, तो वहीं बीते दिन जामुल नगर पालिका परिसर में उपाध्यक्ष सुनीता चन्नेपार ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। नमस्कार, मैं हूँ ललित और हम हैं अभी जामुल नगर पालिका परिसर के अंतर्गत, और यहाँ जो है सुनीता चुन्नेवार जी से हम चर्चा करेंगे। उन्होंने कल अपना पदभार ग्रहण कर चुका है और कांग्रेस के नेतृत्व में उपाध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हम बता दें आपको कि यहाँ जो है अध्यक्ष जो है भाजपा का है, उनके बावजूद अपना दमखम दिखाते हुए सुनीता चन्नेवार जी ने उपाध्यक्ष पद पर अपना पद आसीन किए हैं, और उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से शहर का विकास करेंगे और किस तरह से जामुल नगर पालिका परिसर को विकास की गति में आयाम देंगे। मैडम, मैं सुनीता चन्नेवार, नगर पालिका उपाध्यक्ष, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो साथ में चलेंगे, उनके साथ चल के हम विकास कराएंगे, नई साथ चलेंगे। हम अपने मुख्यमंत्री जी से, विधायक गृह मंत्री जी से राशि फंड मांग के अपना विकास कराएंगे, जामुल में विकास की गंगा बहाएंगे। मैडम, अध्यक्ष की भूमिका काफी अहम होती है और अध्यक्ष जो है भाजपा की है ईश्वर सिंह ठाकुर, और आप जो है कांग्रेस से हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो सामंजस्य किस तरह से बनाएंगे? दोनों में कहीं ना कहीं इंटरफेयर होते दिखाई देगा, देखेंगे। अभी तो साथ चलने का विचार चल रहे हैं, साथ नहीं चलेंगे तो हम अपना दमखम बढ़ा के ही काम करेंगे, लेकिन विकास करेंगे। कांग्रेस की है मंत्री गुरु रुद्र जी और सरकार भी आप लोगों की है, तो किस तरह से योजनाओं को वार्ड विकास में फैला पाएंगे आप? हम अभी 5 पार्षद आए हैं, 2 निर्दलीय साथ हैं, सातों मिलके हम अपना विचार करके अपना मंत्री जी के पास जाएंगे, हमारी सरकार के पास जाएंगे, और हम कहीं से भी फंड लाकर हम विकास करेंगे और अध्यक्ष के साथ चलने के लिए कहेंगे। कल जो हुआ बताएं। कल हमारा मंत्री गुरु जी आए थे, उनके साथ साथ मेरा पदभार ग्रहण हुआ है, बहुत अच्छा लगा है, सब भीड़ के साथ हुआ है। गुरु रुद्र की उपस्थिति में सुनीता चन्नेवार पदभार ग्रहण कर चुके हैं और अपने जो कार्यों पर अब फोकस लगाने को लगातार उत्तेजित हैं और वार्ड विकास और समूचे जामुल विकास के लिए अपना दमखम दिखाते दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित।